हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है माइक्रोफोन, यानी इस वीडियो में मैं माइक्रोफोन के बारे में पूरी डिटेल्स डिस्कस करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोफोन, यानी माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन, ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, यानी माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। एंड इट इज कन्वर्ट साउंड वेव्स इंटू इलेक्ट्रिक वेव्स और इनपुट द ऑडियो इंटू कंप्यूटर्स, यानी ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में और इनपुट ऑडियो को कंप्यूटर में कन्वर्ट करता है। इट कैप्चर्स ऑडियो बाय कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इंटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच मे बी ए डिजिटल और एनालॉग सिग्नल, यानी ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके ऑडियो कैप्चर करते हैं। उस ऑडियो डिजिटल सिग्नल हो सकता है या एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है। तो ये था माइक्रोफोन क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेवलप्ड ऑफ माइक्रोफोन, यानी माइक्रोफोन की डेवलपर। माइक्रोफोन्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एमिली बार्निनर इन 1877, यानी 1877 पर एमिली बार्निनर माइक्रोफोन को डेवलप्ड किया था। उसके बाद आते हूँ अगला क्वेश्चन पर, यानी टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन। तो पहला पॉइंट है कॉन्डेंसर माइक्रोफोन्स, रिबोन माइक्रोफोन्स, कार्बोन माइक्रोफोन्स, प्रीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन्स, लेजर माइक्रोफोन्स, लिक्विड माइक्रोफोन्स, मीम माइक्रोफोन्स, स्पीकर एज माइक्रोफोन्स, ये सारे माइक्रोफोन्स की टाइप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ माइक्रोफोन्स, यानी माइक्रोफोन्स की उपयोग। माइक्रोफोन्स आर यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस सच एज टेलीफोन्स, टेप रिकॉर्डर्स, हियरिंग एड्स, मोशन पिक्चर प्रोडक्शन, मेगाफोन्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑडियो इंजीनियरिंग, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ईटीसी, ये सारे कामों में माइक्रोफोन की यूज किया जाता है। उसके बाद आती हूँ अगला क्वेश्चन पर, यानी एडवांटेज ऑफ माइक्रोफोन। पहला पॉइंट, इट इज फास्टर टू रीड इन टेक्स्ट देन टू टाइप इट इन यूजिंग ए कीबोर्ड टाइप, यानी माइक्रोफोन में कोई भी टेक्स्ट को फास्ट रीड किया जा सकता है कीबोर्ड टाइप की तुलना में। उसके बाद आती हूँ दूसरा पॉइंट पर, इट कैन इम्प्रूव बोथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्हेन यूज्ड इन द वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम, यानी वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले यह सेफ्टी और सिक्योरिटी होने में इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, साउंड कैन बी मैनिपुलेटेड इन रियल टाइम रेदर देन ए रिकॉर्डिंग डन एट द अर्लियर स्टेज, यानी कोई भी स्टेज में की गई रिकॉर्डिंग और रियल टाइम में साउंड को हेरफेर किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोफोन, यानी माइक्रोफोन यूज करने में कुछ नुकसान। तो पहला पॉइंट है नॉइस और डेड स्पॉट्स, यानी माइक्रोफोन पर जब कोई भी कहता है वो तुरंत ही डेड हो जाता है, मतलब उस नॉइस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोफोन्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस, यानी एक ही समय में एक ही प्लेस पर जितना भी माइक्रोफोन रहते हैं उसकी एक संख्या तक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट, साउंड फाइल्स कैन यूज अप ए लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन ए डिवाइस, यानी जो साउंड फाइल्स होते हैं वो किसी भी डिवाइस पर स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी यूज करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट एज एक्यूरेट एज टाइपिंग मैनुअली, यानी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनुअल टाइपिंग जितना एक्यूरेट नहीं होता है। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोफोन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, टास्किन के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और स्कैनर के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।